फिर से आ गया मैं लेकर एक नया वीडियो फिर से गणपति जी पर। देखिए ऐसा ही फोटो एडिट करने वाला हूँ आज मैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। देख सकते हैं मैं ऐसा ही फोटो एडिट करने वाला हूँ मैं। देख सकते हैं आप ऐसा ही फोटो एडिट होने वाला है मेरा। देखिए कितना ही अच्छा दिख रहा है, कितना ही अच्छा दिख रहा है, देख सकते हैं। एक अपना फ़ोटो PNG के ले लेना है, उसके बाद फ़ोटो PNG को लेना है, उसके बाद ये PNG का फ़ोटो ले लेना है, RGB का और कलर का, ताकि आपको आसानी रहे फोटो एडिट करने में। और पूरा PNG का पूरा बैकग्राउंड PNG का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा उधर से। चलिए मैं चलता हूँ PicsCut एप्लीकेशन में। देख सकते हैं मैं आ गया PicsCut एप्लीकेशन में। तो चलिए एक बैकग्राउंड को मैं लेता हूँ, जो अपने बैकग्राउंड को लीजिएगा, जो जिसको आपका मन होगा वो ले सकते हैं आप। देख सकते हैं ये बैकग्राउंड को मैं ले रहा हूँ, ये वाला बैकग्राउंड का ले लेता हूँ मैं। देख सकते हैं ले लिया। ये लेने के बाद एक फ़ोटो PNG को ऐड करना है। यहाँ से ऐड करने के लिए देख सकते हैं ऐड ऐड फोटो पर क्लिक करना है, ऐड फोटो पर क्लिक करना है, ऐड फोटो पर क्लिक कर दे रहा हूँ। और यहाँ से ये फ़ोटो को ले लेना है, देख सकते हैं मैं पहले से डाउनलोड किया ये फ़ोटो को ले लेना है। मैं यहाँ लेने के बाद ऐड पर क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक कर दिया। उसके बाद अच्छे से एडजस्ट कर देना। देखिए मैं करता हूँ ऐसे ही, अभी एडजस्ट कर दीजिए। यहाँ तक तो होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर देना है, देख सकते हो गया। उसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद फिर से एक बैकग्राउंड का लेना है, देख सकते हो। मैं ले लेता हूँ बैकग्राउंड को, ये वाला बैकग्राउंड लेता हूँ। सभी बैकग्राउंड को PNG को फोटो को पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए तो मैं ले लेता हूँ, ऐड पर क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर जूम कर देना है, नीचे कर देना है थोड़ा सा इसको, स्क्रॉल करके और डन कर देना है। फिर से ऐड करना है फोटो PNG को। देखते हैं मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए मैं कर दे रहा हूँ, इतना हो गया है। इसके बाद कपड़े पर आया था, इसको इरेज पर क्लिक करके और कपड़े का कलर को हटा देना है और चेहरे का, उसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद फिर से PNG को ऐड करना है, येलो वाला डन कर देना है। जूम करके थोड़ा सा और नीचे से कर देना है, उसके बाद डन कर देना है। फिर से फोटो को ऐड करना है। अब की बार ये फ़ोटो को लेता हूँ मैं, ये वाला ले लेता हूँ मैं, ऐड पर क्लिक करता हूँ आगे। उसके बाद अच्छे से एडजस्ट कर देना है पूरा फोटो को, देख सकते हैं। उसके बाद डन कर देना है। इतना होने के बाद आपको दोस्तों इतना होने के बाद टीका कर ले रहे हैं PNG को, टीके का देख सकते हैं। मैं ये ले लेता हूँ, ले लेता हूँ, उसके बाद डन कर देता हूँ और अच्छे से एडजस्ट कर देना है उसको, अच्छे से एडजस्ट कर देना है। आप अच्छे से एडजस्ट कर लिया, उसके बाद डन कर देना है। उसके बाद इस टेक को ऐड करना है, इसको ऐड कर दिया मैंने, उसके बाद डन कर देना है। देख सकते हैं कितना अच्छा फोटो दिख रहा है, पहले का फोटो को आप देख लीजिए। उसके बाद इतना होने के बाद दोस्तों जाना है स्नैपशीट एप्लीकेशन में। चलिए मैं चलता हूँ स्नैपशीट में, यहाँ सेव करके यहाँ शेयर कर देना है। इधर देख सकते हैं यहाँ से शेयर करना है और जाना है स्नैपशीट एप्लीकेशन में, आ जाना है आगे। उसके बाद टूल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद डिटेल को भी जाना है और डिटेल को -16 करके ओके कर देना है। उसके बाद ये सेलेक्टिव पर जाना है, सेलेक्टिव जाने के बाद थोड़ा फेस पर लाइट लाना है। उसके बाद
देखिए मैं लगाता हूँ लाइट, देखिए मैं लाइट को बढ़ा देता हूँ, आप भी बढ़ा लीजिएगा, देख सकते हैं चेहरे पे आ गया लाइट, देखो पहले का और आपको फोटो दिख ली। फिर से आना है टूल्स के ऑप्शन पर और टू इमेज पे आना है और सेटिंग को भी थोड़ा थोड़ा कर देना है, अच्छा दिखेगा, प्लस माइनस कर देना है, उसके बाद डन कर देना है। देख सकते हैं दोस्तों पहले का फोटो मेरा होगा, दिख लीजिए। ऐसे ही आप फोटो एडिट करिएगा, पूरा PNG फोटो और बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके अपना फोटो बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना के लिए थैंक यू, धन्यवाद।